गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्पीरियल एजुकेशनल सेमिनरी में। दोस्तों, आज की तारीख है 23 सितंबर 2022 और टाइम हो गया है 3:09। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्विकली बता दूं कि मैं 2 नवंबर 2022 से वेबिनार स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से। ये एक 4 महीने की ड्यूरेशन का वेबिनार होगा, सो काइंड ऑफ यू कैन से शॉर्ट टर्म कोर्स। इसमें हम 15 मिनिमम क्लासेस रखेंगे प्लस 50 डेज का मेंटरशिप। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैंने इसका जो गूगल फॉर्म का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग उसे फिल कर दीजिए और आपके रिस्पॉन्स के बेसिस पर हम लोग आपको ईमेल करेंगे कि क्या क्या डिटेल्स हैं, कैसा क्या फीस होगा, कितने दिन का होगा। टाइमिंग्स एंड एवरीथिंग मैंने गूगल फॉर्म में मेंशन कर दिया है, तो वो सब चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। मॉर्निंग का है वो, तो मॉर्निंग में क्लासेज होंगी इस बार, इवनिंग में या आफ्टरनून में क्लासेज नहीं है, मार्केट स्टार्ट होने से पहले। और ये मार्केट ड्यूरेशन पर ही चलेगा, मीन्स जिस दिन मार्केट होगा उसी दिन हमारी क्लासेज होंगी। सैटरडे संडे को जो क्लासेज रखी थी उसमें जो रिस्पॉन्स आ रहा था कि 5 दिन हम लोग को कुछ करने को इतना मिलता नहीं है, तो इट्स बेटर कि हम लोग मार्केट डेज पे ही उसको करें। तो इस बार इसको प्लान किया गया है मार्केट डेज के अकॉर्डिंग। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन फिल द गूगल फॉर्म, ठीक है। चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निफ्टी देखिए, आज ऑलमोस्ट 1.68%, अभी थोड़ा सा ऊपर आ गया ये, अदरवाइज इट वाज शोइंग सम 315% डाउन लाइक द टाइम व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड दिस। तो ये देखिए अभी तो थोड़ा सा रिकवर किया है, मतलब इट्स काइंड ऑफ कि अपने लो से थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और ग्लोबल मार्केट में जो सिनेरियो चल रहा है उसको देखते हुए ये एक्सेप्टेबल है कि हाँ ये सब होने वाला था। तो अगर आप इधर राइट साइड में यहाँ पर देखेंगे, ये डीजीआई है, डीजीआई की कंडीशन आपने देखी है और डीजीआई एक अभी अपने लास्ट सपोर्ट के पास है। हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ से टूटा तो फिर शायद सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो सकती है। और जो डीजीआई का डेरिवेटिव है जिसको हम लोग मॉनिटर करते हैं, वो आज दिखा रहा है कि आज इवनिंग में जब मार्केट यूएस की ओपन होगी तो फिर से शायद गैप डाउन ओपन होने वाली है, बिकॉज ये अपने कल के लेवल से ऑलमोस्ट 240 पॉइंट्स नीचे ट्रेड हो रहा है और मार्केट को स्टार्ट होने में शायद 4 घंटा ही बचा है। तो देखते हैं क्या होता है। तो निफ्टी ये था, बैंक निफ्टी अभी एक लाइफ टाइम हाई बनाया था और उसके बाद दिस वाज ऑब्वियस कि अभी अगर लाइफ टाइम हाई बनाया है और अपनी ग्लोबल मार्केट में क्यूज चल रहे हैं और निफ्टी अभी अपने हाई के पास गया नहीं है, तो अगर इसमें थोड़ा सा स्लाइड डाउन देखने को मिले तो ये स्लाइड कर सकता है, ठीक है। और ये एक सपोर्ट था इसके लिए जो लग रहा था कि शायद अगर बैंक निफ्टी आएगी तो यहाँ पर सपोर्ट लेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं आज। और अगर आप इसको 5 मिनट में देखेंगे तो निफ्टी है, बैंक निफ्टी सीधा आज यहाँ पर ओपन हुआ थोड़ा सा वीक और उसके बाद कंटिन्यूअसली इट वाज काइंड ऑफ वाटरफॉल, ये फॉल होता चला गया, ठीक है। तो ऑप्शंस भी ट्रेड हुआ था बट उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो में, और निफ्टी का मैंने दिखा दिया आपको। तो आज के ट्रेड की बात करते हैं, आज का ट्रेड है रिलायंस। रिलायंस को अगर आप देखेंगे काफी वीक है, काफी वीक मतलब अपने मंथली लो को आज उसने ब्रेक किया। अगर आप देखेंगे कल की जो क्लोजिंग थी, ये अगस्त मंथ का लो है, अगर आप इसको देखेंगे 1 अगस्त का ही कैंडल है, उसका लो मार्क कर रखा है, ठीक है। उसको इसने ब्रेक किया था, ठीक है, और कल उसके नीचे क्लोज हुआ था और वॉल्यूम्स पड़े थे इसके नीचे। तो मतलब अगर आज हमें अपना ट्रेंड कंफर्मेशन मिल जाता है तो हम इसमें एक इंट्राडे ट्रेड कर सकते थे, दिस वाज आवर अजम्पशन, ठीक है। तो उसके बेसिस पर हमने आज इसको ट्रेड किया और मैं ये लेवल्स बता देता हूँ कहाँ से आया। तो ये वाला लेवल जो है ये है 1 अगस्त यानी अगस्त मंथ का लो, और जो ये वाला है ये है 1 जनवरी, और इसी दिन आप देखेंगे काफी टाइम से जो जो वॉल्यूम था वो सबसे बड़ा वॉल्यूम यही था, उसके बाद से कोई वॉल्यूम नहीं आया है। और ये एक हम बोल सकते हैं क्वार्टर का भी लो है अपना, तो इसमें वॉल्यूम प्लस क्वार्टर का लो था। तो हमने इस कैंडल को जब एनालाइज किया तो उसके अंदर से ये लेवल निकल कर आया। ये लेवल ऐसे कुछ नहीं है, अगर आप इसको ओपन करेंगे इस वाली कैंडल को तो 5 मिनट में जो हाईएस्ट वॉल्यूम का कैंडल है उसको मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है। और अभी क्योंकि हम ट्रेड से एग्जिट हो गए हैं तो अभी मैंने सोचा कि मैं इसका वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखा देता हूँ। अभी चलिए इसको देखते हैं। तो अगर आप कल देखेंगे कि कल ये अपने उस लेवल के नीचे ओपन हुआ था अगस्त मंथ के लो के नीचे, और इसी लेवल को रेजिस्टेंस बनाकर नीचे आया था, नीचे से फिर ऊपर गया और फिर से वहां पर फेल करके यहाँ कहीं क्लोज हुआ। और
और अगर आप इसकी क्लोजिंग देखेंगे तो ये जो इम्पोर्टेंट कैंडल है इसके अंदर हुई और आज इसकी ओपनिंग वीक हुई, मतलब ये अभी भी वीक सिम्टम्स दे रहे हैं। अब मैं, क्योंकि अपनी मार्केट काफी वीक हो रखी है अभी जो ग्लोबल सिनेरियो है उसकी वजह से, तो ये मैं 1 मिनट के चार्ट में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, जहां पर एंट्री बनाई गई थी। और हम 1 मिनट के चार्ट में क्यों आए, क्योंकि आजकल, मैंने आपको शायद लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था अगर आपने वो वीडियो देखा हो, कि आजकल ये प्रॉब्लम हो रहा है कि मार्केट में जैसे ही कोई भी स्टॉक या सेक्टर ओपन होता है उसके बाद तुरंत स्लाइड करता है, तो हमें ना एंट्री बनाने का मौका नहीं मिल रहा है 5 मिनट में। तो आज इसको 1 मिनट में ओपन किया मैंने, और ये कोई सपोर्ट था अगर आप इसको देखेंगे वॉल्यूम के बेसिस पर, और इस सपोर्ट को इसने जब डिच किया, मतलब इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया, तो यहाँ पर एंट्री थी, ये वाला लेवल टार अपना स्टॉप लॉस था 85 का, 85.35, कि अगर यहाँ से जाता है तो हम लोग इससे एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि हो सकता है मार्केट रिकवर कर ले, बिकॉज यू नेवर नो, क्योंकि निफ्टी इतना भी डीजीआई को फॉलो नहीं कर रहा था, ठीक है। और टारगेट, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, कीप द टारगेट एट द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, मतलब जितना बड़ा टारगेट आप रख सकते हैं उतना बड़ा टारगेट रखिए, क्योंकि जैसे ये दिन होते हैं कभी कभी मिलते हैं कि आपको एक अच्छी में एंट्री मिल जाए और आपको आपके टारगेट के पास भी मिल जाए, तो हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ, अभी भी अगर आप इसको देखोगे यहीं पर ही था, लेकिन हमें आज एग्जिट करना पड़ा क्योंकि 3 बज गया है और मार्केट इज अबाउट टू क्लोज, ठीक है। तो हमने इस वाले जो, 1 मिनट में बता देता हूँ आपको, यहाँ पर एक सपोर्ट था, हाँ, इस वाली कैंडल पर हमारा एग्जिट हो गया है, तो ये वाली जो कैंडल थी जब इसने वापस वो किया तो इस पे हम एग्जिट कर चुके थे, ठीक है। तो मेरा अभी, मेरे पास मैसेज आया था, तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है, ठीक है। तो ये 2442 पर एग्जिट हुआ है हमारा, और जो हमारा एंट्री था वो था 2481 का एंट्री है अपना, एग्जैक्ट जो एंट्री था 2481.1, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स हम बोल सकते हैं कि 40 पॉइंट्स मिला है इसमें, ठीक है, और 1 मिनट के अंदर इसकी एंट्री थी, ठीक है। इसके अलावा जो एक इंटरेस्टिंग था, क्योंकि आईटी सेक्टर भी काफी वीक है, बट उसमें देखो यही प्रॉब्लम होता है कि कभी कभी हमें उस चीज में वो नहीं मिलता जिसका हम वेट कर रहे होते हैं। ये आप इसको देखिए, मैं इसको एक बार डे के चार्ट में ओपन कर देता हूँ, इसमें भी मेरी एंट्री है बट इसमें मुझे कोई बड़ा टारगेट नहीं मिला। देखिए इसको अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो ये 5 मिनट में, मैं इसको ओपन करता हूँ, तो ये यहाँ ओपन हुआ, उसके बाद सीधा यहाँ गया। अब मेरे को बस ये देखना था कि कहीं पर ये बाइंग को फेल करता है क्या, अगर बाइंग को फेल करता है तो हम इसमें एंट्री बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पर इसमें पहली बार सेलिंग इंट्रोड्यूस हुई, सेलिंग मतलब हमारे रेड के वॉल्यूम्स बढ़ने लगे। अब अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता तो सिंपली हम इसमें एंट्री नहीं बनाते, लेकिन उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पर ध्यान दीजिए, रेजिस्टेंस बना, उसके बाद यहाँ पर बाइंग आई, ठीक है, यहाँ पर बाइंग आई, उसके बाद देखिए वॉल्यूम्स फिर यहाँ पर बढ़े और इस बार इसने इसको तोड़ना स्टार्ट कर दिया। जब ये तोड़ते तोड़ते नीचे आने लगा, इस लेवल पर क्लोज करने लगा, तो हमने 1043 पर एंट्री बनाई, 1043, और टारगेट रखा दिन का लो, कि अगर ये दिन के लो तक जाता है तो हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल जाएगा, बिकॉज इट विल बी ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स, तो एक 2% का मूवमेंट हमें मिलेगा। लेकिन जैसा आप देख सकते हैं कि ऐसा इसमें कुछ नहीं हुआ और ये इसी जोन में साइडवेज हो गया, बल्कि मुझे आज रिलायंस से कम और टेकम से ज्यादा उम्मीदें थी कि ये शायद ज्यादा गिरेगा, बट ऐसा हुआ नहीं। और इसको अगर आप डे के चार्ट में देखेंगे टेकम को, तो ये जो है ये हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल है, इसके नीचे आज ओपनिंग हुई थी और ये साफ दिख रहा है कि इस एरिया के अंदर वीक हो रहा है। और दूसरा, अगर इसको ऊपर से रेजिस्टेंस मिल रहा है, अगर आप इसको 3P के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे तो इसको ऊपर रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो ये नीचे सपोर्ट लेने आएगा, ठीक है। तो अब इसको 5 मिनट से अगर हम फिर से देखने की कोशिश करें तो ये वो लेवल है जो, जिसको हम रेजिस्टेंस मान रहे थे और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक आने वाला था, तो मैंने बोला था कि दिन का लो का शायद टारगेट मिल जाएगा हमें, बट अभी शायद 10-12 मिनट बचे हैं तो शायद ये यहाँ तक ट्रेवल भी कर जाए, बट नेवरतलेस हमें इसमें 10 पॉइंट मिले, 10 पॉइंट से हमें एग्जिट करना पड़ा, ठीक है। तो बट इट्स ओके, कभी कुछ मिलता है कभी कुछ नहीं मिलता है, ये सब चीजें चलती रहती है मार्केट में। बट अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, MNM ऑलमोस्ट नोज डाइव, ठीक है, इसलिए 1 मिनट का चार्ट ओपन करना पड़ता है आजकल, क्योंकि मार्केट ओपन होते के साथ ये वाला फ्लो ज्यादा देखने को मिल रहा है। मारुति को देखिए, इसने थोड़ी देर सस्टेन किया बट जैसे ही नीचे आने लगा, देखिए ठीक है, अभी उसके बाद सस्टेन कर गए हैं, लेकिन ये इस वाले फॉल में फिर ना एंट्री लेना थोड़ा मुश्किल होता है, तो दैट्स वाई आई स्विच टू 1 मिनट चार्ट।
जस्ट टू क्लियर योर डाउट कि हम कभी 1 मिनट क्यों लेते हैं, कभी 5 मिनट क्यों लेते हैं, इसलिए क्योंकि आप इस पैटर्न्स को देखने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, 4 कैंडल ऐसा बनने के बाद फिर आप एंट्री की उम्मीद नहीं करते हैं कि इतना बड़ा मूवमेंट हो गया, अब मुझे क्या मिलेगा। ठीक है, ये पीछे भी देखिए, ये 3 कैंडल इतने बड़े बड़े बन गए। ठीक है, तो इसलिए मार्केट में आजकल 1 मिनट का चार्ट ज्यादा फॉलो किया जा रहा है। 1 मिनट 3 मिनट को मैं फॉलो कर रहा हूँ थोड़ा, ताकि थोड़ा एंट्री मिल जाए, बिकॉज काफी टाइम से एंट्री स्किप हो रही है। आई एम नॉट एबल टू मेक एनी एंट्री इन एनी ऑफ द स्टॉक। और इसके अलावा अपना 2 लॉट का बैंक निफ्टी मैंने ट्रेड किया था, ज्यादा लॉट नहीं लेता क्योंकि मुझे ऑप्शंस उतने अच्छे से नहीं आते हैं, और ये एक सपोर्ट जोन में था, तो मुझे लगा कि अगर आज भी 50% मिल गया जो भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आई बी मोर देन हैप्पी। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आप लोगों को अच्छा लगता है कि आप लोगों को वेबिनार ज्वाइन करना चाहिए, तो यू कैन जस्ट फिल द लिंक। हम 2nd of November से स्टार्ट करेंगे, तो काफी टाइम है आप लोगों के पास, बट याद रखना सीट्स आर लिमिटेड। तो जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे 10 लोग जैसे ही पूरे हो जाएंगे, हम उसको बंद कर देंगे। और जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, वो जस्ट गूगल फॉर्म फिल करके मुझे मैसेज करते हैं, तो उनके लिए आप लोगों को पता होता है कि आपके लिए वो डिस्काउंटेड होता है। काफी अच्छा डिस्काउंट होता है उस चीज के ऊपर, 1,500-2,000 रुपए की ही क्लास होती है फिर आप लोगों के लिए पूरी। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इफ यू वांट टू कंटिन्यू, तो यू कैन फिल द फॉर्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।